हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे आज के इस न्यू ब्लॉग में। और अभी है कितना टाइम हो रहा होगा? अभी 10:30 हो रहा होगा। तो आज मेरे को बहुत देरी हो गया था असल में, और मैं अभी लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा। उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना, और बाकी काम तो हो गया है। और बहुत सारा काम आज नहीं हुआ है, जो ज़रूरी ज़रूरी काम है बस वही हुआ है। और हम लोग आज कुछ नाश्ता वास्ता नहीं बनाए थे। हम लोग नाश्ता में आज किए चाय और टोस्ट बस। तो अभी जेनी लोग को भी भूख लग जाएगा ना जल्दी, तो मैं सोच रही हूँ आज पहले खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद अपना काम आराम से करते रहूँगी बाद में। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ दाल चावल और आलू बड़ी की सब्ज़ी। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आज मैं, ये लंबा वीडियो नहीं है, बस खाली खाना बनाने का ही है, खाना बनाने का ही दिखा रही हूँ। और अभी मैं कपड़ा भी खाना बनाते बनाते साथ में कपड़ा भी धो लूँगी, तो वो भी दिखा दूँगी। बस ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पा रही, क्योंकि आज मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए आज मैं कुछ नाश्ता वास्ता भी नहीं बनाई, और एक बार खाना बना रही हूँ बस। और ये सोया, तो यहाँ पर अब मैं दाल चढ़ा देती हूँ, और साइड में सोयाबीन की बड़ी है, हम लोग बहुत दिन से बनाए नहीं थे, तो आज हम लोग सोचे बना ही लेती हूँ आज। तो ये बड़ी को ना मैं भिगा के रखी थी 15-20 मिनट, और उसके बाद इसको अच्छा से 2-3 बार धोई हूँ पानी से। इसको निचोड़ना पड़ता है अच्छा से, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा अलग सा निकलता है, खुशबू आता है अजीब सा। तो इसको 2-3 बार अच्छे से धो के निचोड़ ली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के इसको थोड़ा देर फ्राई करूँगी, 5-10 मिनट के लिए। और इसको धीमे आँच में करना पड़ता है फ्राई, ताकि ये ना चिपक जाता है। अगर तेज आँच में करोगे ना तो चिपक जाएगा, इसलिए एकदम हल्का आँच में ठीक रहता है। तो ये जब तक फ्राई होता है ना, तब तक मैं अपना इधर कुछ और काम कर लेती हूँ। और ये है जो हम लोग कल या परसों लेके आए थे मार्केट से, आलू प्याज और टमाटर, तो ये ऐसी झोला में रखा हुआ था, तो मैं इसको हटा दे रही हूँ। और यहाँ से ना टमाटर को हटा के झिल्ली में डाल के उसको फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि अगर ये टमाटर बाहर रहा ना तो गर्मी है ना बहुत, तो फिर उसके बाद उसको काटूँगी ना तो एकदम कैसे टाइप का आ जाएगा, गल जाता है गर्मी में बाहर रखने से टमाटर। और अगर गर्मी में फ्रिज में रखोगे तो ठीक रहता है, इसीलिए तो मैं इसको यहाँ पे अभी फ्रिज में रख दूँगी। और मैं ना जब तक उधर बड़ी को वो करके रखी हूँ फ्राई करने के लिए, तब तक मैं यहाँ पे आलू काट लेती हूँ, आलू और प्याज, आलू बड़ी बनाऊँगी। और ये लहसुन काट के रखी हूँ, लहसुन को पीसूँगी, लहसुन में मैं पीसूँगी लहसुन और लाल मिर्ची खड़ी वाली, और वो धनिया का बीजा होता है ना वो, 3 चीज़, और जीरा भी डालूँगी उसमें थोड़ा सा मसाला में। और यहाँ पर ना चावल का पानी भी गर्म हो गया था, तो मैं यहाँ चावल भी डाल दी हूँ। और जब तक बड़ी तो हो गया है मेरा फ्राई, उसके बाद मैं अब चावल डालने के बाद ना इसमें कढ़ाई में तेल डालूँगी और सरसों डालूँगी थोड़ा सा, उसके बाद प्याज डाल के बस भून लूँगी। और ये जो बर्तन गंदा होते जा रहा है ना किचन का भी, तो साथ साथ में मैं इधर धो धो के भी रखते जा रही हूँ इन बर्तनों को साथ में, नहीं तो बहुत सारा बर्तन ऐसे खाना बनाते समय जमा हो जाता है। तो बस ये हो गया है, और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ इसमें से। अब मैं इसमें डालूंगी तेल, ये लहसुन है, लहसुन को छील के रखी थी मैं, उसे थोड़ा धो लेती हूँ। धोने के बाद इसमें डालूंगी इसको डालूंगी मिक्सी में। और ये धनिया रखा हुआ था बीजा वाला, वो थोड़ा सा डाल दूंगी।
और मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाली हूँ नाम के लिए तेल में, क्योंकि मैं पीस रही हूँ जीरा, तो इसमें ज़्यादा नहीं डालूँगी। और ये रहा मेरा प्याज भुंजा गया, और अब मैं इसमें पीसा हुआ मसाला डाल दी हूँ। और अब मैं इसमें तो वो डाल दूँगी क्या, टमाटर काट के। और मैं नमक ना पहले डाल दी थी प्याज भुंजते भुंजते, प्याज में ही डाल दी थी। प्याज में नमक डालने से ना प्याज जल्दी भुंजा जाता है, इसीलिए। और इसमें मैं एक दो टमाटर भी पीस दी थी मसाला में, और थोड़ा सा और पीस देती हूँ, पीस नहीं रही मतलब काट के डाल देती हूँ ऐसे। और मैंने इसका बीजा निकाल दे रही हूँ, टमाटर का बोलते हैं बीजा, टमाटर का बीजा खाने से ना किडनी ख़राब होता है, सुनी थी मैं, इसलिए आजकल मैं टमाटर का बीजा हटा देती हूँ। अब बस ये थोड़ा सा भुंजा जाए, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आलू। आलू डाल के भी आलू फेंको, फिर पकने में टाइम लगेगा ना, तो मैं अभी डाल दे रही हूँ आलू को। और यहाँ पर जेनी आई थी थोड़ा सा मसाला मांगने, उसको भूख लगा है असल में। और मैं भी यहाँ पे एक बड़ी खा के देख रही हूँ, क्योंकि मैं छोटी थी ना, तो ऐसे वाला बड़ी फ्राई वाला खाती थी। और जब तक मेरा उधर सब्जी वब्जी बनते रहे, तब तक मैं इधर मशीन चालू कर देती हूँ, ताकि यहाँ पर खड़े खड़े ना पानी मतलब कपड़ा का काम भी हो जाए। नहीं तो मैं अगर यहाँ से हट जाती हूँ और मशीन का पानी चालू कर देती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ पानी चालू है करके, और ये पानी पूरा भर जाता है और बहते रहता है, मेरे को पता ही नहीं चलता। तब याद अब मेरे को आता ही नहीं है, असल में भूल ही जाती हूँ मैं। फिर जब मैं किचन में आती हूँ ना, तभी पता चलता है कि यहाँ पानी भर रहा है और पूरा बहते रहता है, आवाज़ आते रहता है, फिर पता चलता है ऊपर का टंकी पूरा खाली हो गया। एक दो बार ऐसे हुआ है, इसीलिए मैं उसी टाइम पे कपड़ा धोती हूँ जिस टाइम मैं किचन में रहती हूँ, नहीं तो मैं भूल गई तो हो गया, मुसीबत हो जाता है फिर। और अभी आलू यहाँ पर पक ही गया है, मैं अभी और अब बड़ी को डाल देती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पका दूँगी। और अब मैं यहाँ पानी डाल दी हूँ सब्जी में, और बस इसको पका दूंगी, ये हो जाएगा फिर। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग कल एक न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपना ध्यान रखना, खुश रहना। और अब मैं यहाँ पर का थोड़ा पोंछ देती हूँ कि सब्जी हो गया है, बन गया है मेरा सब्जी। और मैं गैस वैस बंद कर दी हूँ, बस अब पोंछ लूँगी, हो गया। बाय बाय।